क्या करे? हाथ से नहीं खाता। हाथ से नहीं खाता तो फिर क्या पाँव से खाओ? छुरी कांटे से खाता। छुरी कांटे से खाता। छोड़ छुरी कांटा, अंडा कम मुंह में जावे है और छुरी कांटा ज्यादा जावे है। हम तो देसी तरीके से खाता। अयो रोजी मदाम, आप इस जंगली को किधर से पकड़ लाया? अरे ओ जंगली होगी तू, नाम तो रोजी है पर मेरी रोजी के पीछे हाथ धोके पड़ी है। इसे समझा दे चौधरानी, जाने क्या बनी फिरे है। ऐसा नहीं बोलते मिस्टर। मिस्टर? मेरा नाम बालम है चौधरानी, मिस्टर बिस्तर नहीं है। अच्छा बाबा बालम। चौधरानी एक बात तो बता। क्या? जिंदरी क्या लगे हैं? ये मेरी सेक्रेटरी, मेरा मतलब है मुलाजिम। मुलाजिम? हुक्म तो ऐसे चलावे हैं जैसे यही इस घर की मालकन है। छोड़ो इसे, ये बता अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? वाह चौधरानी, जख्मी करके पूछती है अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुझे कैसी लगे है? हमने तुम्हें जानबूझकर जख्मी नहीं किया है बालम। चौधरानी तेरी आंखें तो अल्लाह ने इतनी मोटी मोटी दी है पर तुझे दो गज का बंदा दिखाई नहीं दिया। आयो तमीज से बात करो। देखो चौधरानी फिर इसने गिट पिट की है, समझा दो इसे हमारा गुस्सा बहुत खराब है। रोजी तुम जाओ। यस मदर। ये फिर आ जाएगी। शायद तुम किसी गांव से आए हो। हाँ चौधरानी, तकदीर खींच लाई है गांव से शहर तुम्हारे छर्रे खाने के लिए। क्या मतलब? मतलब ये चौधरानी कि हम हैं बड़े गरीब लोग, गांव में बूढ़े माँ बाप है, एक जवान बहन बिन ब्याहे बैठी है और साहूकार का कर्जा भी देना है। हम आए हैं शहर पैसा कमाने के लिए। और सच कहूँ चौधरानी, ये पैसा है बड़ी बुरी चीज, पर क्या करें पैसे बिना गुजारा भी नहीं होता है। मादाम फिर आ गए। मिस्टर अमीर अली आपसे मिलना मांगता। अमीर अली। क्या बात है चौधरानी, क्या तुझे भी इसका कर्जा देना है? नहीं बादम, इन लोगों ने मेरा सांस लेना मुश्किल कर दिया है। ये भी दुखी लगे हैं बेचारे। अब तू अंडा खा। और कितने दिन यहाँ पड़ा रहूंगा चौधरानी? लेकिन तुम जाओगे कहाँ? जहाँ किस्मत ले जावे, कहीं ना कहीं कोई नौकरी चाकरी मिली जावेगी। हाँ, नौकरी करोगे? क्यों नहीं जी। क्या काम जानते हो? अरे काम चौधरानी मैं तो सारे ही काम जानूं, हल चला सकूं, चारा काट सकूं, भैंसे नहला सकूं। मगर याद है ऐसा कोई काम नहीं है। अच्छा अब फिर मैं रहमत की दुकान से आटा ला सकूं, चावल ला सकूं, दाल ला सकूं, हुक्का भी भर सकूं। बस बस तुम चौकीदारी करोगे? चौकीदारी? अरे चौकीदारी तो चौधरानी मैं ऐसी करूं कि परिंदा पर ना मार सके। जागते रहना भाइयों बहनों। बस बस आवाज देने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ दरवाजे पर बैठकर आने जाने वालों का ख्याल रखना होगा। अरे चौधरानी ये तो कोई काम ही नहीं हुआ, ये काम तो मैं ऐसे करूं कि तू सारी जिंदगी याद करे। पर चौधरानी ये तनख्वाह तो पटा ले। तुम क्या लोगे? देखना चौधरानी आजकल जमाना है महंगाई का, अब फिर मुझे अपनी बहन की शादी भी करनी है और बहुत सारे काम करने हैं, तो कम से कम 4 बीसी तो होनी चाहिए। 4 बीसी? हाँ। क्यों चौधरानी कुछ ज्यादा है क्या? तो कुछ कम कर दे। नहीं हम तुम्हें 20 बीसी देंगे। 20 बीसी? 20 बीसी कितने रुपये हुए हैं चौधरानी? बालम के तो कुछ पल्ले ही ना पड़े। 20 बीसी यही 400 रुपये। 400 रुपये? हाँ। 400 रुपये चौधरानी तू साल का देगी या महीने का? महीने का। महीने के 400 रुपये? अल्लाह तुझे जिंदगी दे चौधरानी, फिर तो मैं अपनी जीनों का बिया भी करा दूंगा, उस लालची मलिक का कर्जा भी उतार दूंगा।
और बहुत कुछ करूंगा, तो फिर मैं जाके बैठ जाऊं दरवाजे पे? अभी नहीं, शाम को। शाम को? चौधरानी कहीं तेरी नीयत ना खराब हो जाए। अच्छा बाबा, अभी जाकर बैठ जाओ। बैठ जाओ? हाँ। 400 रुपये? ठहरो ठहरो। यहाँ क्या कर रहे हो दरवाजे पे? चौकीदारी, चौधरानी ने काम पर रख लिया है मुझे। बहुत खूब, ये तो बहुत खुशी की बात है। तू चाहे जितनी बातें बना ले, पर मैं ना तुझे अंदर जाने दूँ। अंदर? हाँ। अंदर तुम्हें हम सिरे बांध के जाएंगे, फिलहाल तो तुमसे मिलने आए हैं। बोल, एक काम है तुमसे। काम? अरे काम तो बालम ऐसे करे है, बोल क्या काम है? काम? काम सिर्फ इतना सा है कि तुम्हारे आने जाने वाले पे नजर रखो कि कौन कब आता है और कब जाता है, और इसकी इत्तला तुम सबसे पहले मुझे करो। ये मेरा टेलीफोन नंबर है। हाँ। पर मैं तुझे इत्तला काहे को करूं? एक बात तो सुन, कहीं तू अपनी चौधरानी का बाप तो नहीं? बाप? मैं रखने क्या दिल लगी कर रहे हो? तुम्हारी चौधरानी के तो हम वो बनने वाले हैं। वो ये वो क्या बनने वाले हो? ये तुम्हें अनकरीब पता चल जाएगा। हाँ। अच्छा, तो ये तेरी बेटी है? ऐसी दिल तोड़ने वाली बातें नहीं किया करते। ये लो, ये 100 रुपए रख लो। ओ बुढ़े, बालम गरीब जरूर है पर भिखारी नहीं। मैं जख्मी, ये कोई भीख भीख नहीं है, ये तो एक भाई की दूसरे भाई से सलाम वाले गुम है, और अगर तू हमारे कहने पे अमल करते रहे तो ये सलाम दुआ अक्सर होती रहेगी। तो रख लो। पर चलो, तुम्हें जितनी क्या करते सेक्रेटरी? ओ चौधरानी। हाँ बालम, क्या बात है? चौधरानी, ये अभी अभी वो बुड्ढा खुसट आया था। ओ, नन्ने मियाँ। वो नन्ने मियाँ है? वो तो कब्र में पांव लटकाए बैठा है। फिर क्या हुआ? फिर कहने लगा कि बरखुरदार, हर जाने आने वाले का ख्याल रखना, और अगर कभी तुम्हारी बीवी को कोई तकलीफ हो तो सबसे पहले मुझे इत्तला करना। तुमने क्या कहा? मैंने उससे तो कुछ नहीं कहा, पर अपने घर की बात भला दूसरों को कौन बतावे है चौधरानी। और हाँ, जाते हुए ये 100 रुपया भी दे दिया। जी में तो आई थी कि सुसरे के मुंह पे दे मारूं, पर ये सोच के चुप हो गया कि कहीं तू नाराज ना हो जाए। ये ले, ये रुपए तुम रख लो। मैं रख लो? अच्छा चौधरानी, एक बात तो बता, ये सब लोग हैं कौन? ना दिन देखे ना रात, बस मुंह उठाए चले आवे हैं जैसे ये उनके बाबा का घर हो। तेरे रिश्तेदार है क्या? नहीं बालम, ये सब पागल है। पागल? पागल है? पर देखने में तो बड़े कांटा लगे। उन्हें दौलत की हवस ने पागल कर दिया है। ये सब मेरी दौलत पर कब्जा जमाने के लिए मुझसे शादी करना चाहते हैं। शादी? बाप रे बाप, भला इतने आदमियों से तू अकेली कैसे शादी करेगी? यही तो सोचने की बात है, पर ये बात उन लोगों की समझ में नहीं आती। मुझे तो उन लोगों से खौफ आने लगा है। ये बात जाने दे चौधरानी, तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये डंडा देखे हैं, एक एक का सर फोड़ के रख दूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है बालम, तुम मेरी जिंदगी के दम घुटने वाले अंधेरे में रोशनी की किरण बनकर आए हो। अच्छा अब मैं चलूं। हाँ, वो दरवाजा खुला देखकर कोई सुसरा अंदर घुस आया तो मुफ्त का झगड़ा हो जाएगा। अच्छा खोलो। अरे अंदर कोई ना जा सके है। मुझे अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों, तू चौधरानी का भाई है क्या? क्या बकते हो? अरे वो तो हमारी बीवी बनने वाली है। बीवी? तेरी बीवी? जानते नहीं हो, मेरा नाम अमीर अली है। अमीर अली?
ओ तो तू है वो अमीर अली जिसका नाम सुन के अपनी चुदरानी की शकल चुकंदर जैसी लाल हो जावे है। तुझे तो कभी भी अंदर ना जाने दो सुसरे। दरवाजा खोलता है या तू एक झांपर। अरे जा जा जा, तू अपनी मौत को बुलवा देवे है। जबरदस्ती करेगा तो मार मार के अमीर अली से फकीर अली बना दूंगा। हाँ बकवास बंद कर। अच्छा सुसरे हाथ चलाता है। अबे जाता हूँ जाता हूँ। माता क्यों है? तो फिर जाना मेरे लिए बच्चे। कैसे हुआ? क्यों हो रहा हुआ? और जब हुआ तब हुआ। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोग मुझे पागल कर दोगे। काहे को हुए चौधरानी? मैं सच कहती हूँ बालम, इन लोगों ने मेरा सुकून छीन लिया है। ये आलीशान बंगला मुझे काटने को दौड़ता है। ये दौलत मेरे लिए मुसीबत बन गई है बालम। काश कुदरत ये सब कुछ मुझसे छीन ले। इसके बदले में आजादी की चंद घड़ियां, सुकून के चंद लम्हे मुझे बख्श दे। मुझे मुझे सुकून चाहिए बालम, मुझे सुकून चाहिए, मुझे सुकून चाहिए। अरे तू रोने का है को लगी? वाह मेरे मौला, मैं तो समझू था कि ये रोना धोना हम जैसे गरीबों ही की किस्मत में लिखा है, पर यहाँ तो महलों वाले भी आंसू बहावे हैं। तेरे खेल बालन के पल्ले ना पड़े मालिक। खुशी दौलत से नहीं मिलती बालन, देख लेना एक ना एक दिन ये शानदार बंगला मेरा कब्रिस्तान बन जाएगा, मेरा दम घुट जाएगा। तू तो नाहक रोवे है चौधरानी, अल्लाह जाने तुझ पर आज भी आए तो बालम अपनी जान दे देगा। बावर मन घबराए रे, यहाँ दुख
दुख जाए सुख आए। मेहरबानी से जीनू भी खैर से अपने घर बार की हो गई है, अब मुझे कोई फिक्र नहीं है चौधरानी, मजे से तेरी चाकरी करूंगा। तुम कैसी बातें करते हो बालम, मैं तुम्हें नौकर नहीं समझती। ते तो फिर और क्या समझे, नौकर तो मैं हूँ ही। तुम नौकर नहीं बालम, मेरे मोहसिन हो। मोहसिन? ये मोहसिन क्या हुए चौधरानी? जो किसी पर एहसान करे, जो मुसीबत में किसी के काम आए। याद नहीं एक बार तुमने मेरी इज्जत बचाई थी और जान भी। ले जान क्यों ना बचाता, आखिर तनख्वाह काय की लूं? तनख्वाह तुम्हारे एहसान का बदला नहीं है बालम। एक बात पूछूं चौधरानी? हाँ पूछो। ये दौलत वाले तो बड़े पत्थर दिल हो गए, पर तू ऐसी नहीं है। अल्लाह ने तुझे ढेरों रुपया दे रखा है, पर फिर भी तू मोम की पुतली लागे। मोहब्बत पत्थर को भी मोम कर देती है बालम। दौलत तो आनी जानी चीज है, मगर जब दिल में प्यार जागता है तो वीरानों में बहार आ जाती है। समझ गया समझ गया। मुझे अपनी जिंदगी का साथी मिल गया है। चलो अच्छा ही हुआ, इतनी बड़ी हो गई है, अब तुझे भी घर बसा ही लेना चाहिए। मगर ये तो पूछो वो है कौन? अरे होगा कोई तेरी जोड़ का पैसे वाला। नहीं वो पैसे वाला तो नहीं, मगर सुकून की दौलत से माला माल है बालम। दौलत तो मेरे पास पहले थे। अरे तू कहीं ख्वाब तो नहीं देख रही चौधरानी, ऐसा आदमी तुझे मिलेगा कहाँ? वो मेरे सामने खड़ा है। तेरे सामने? हाँ। वो तुम हो बालम, तुम। मैं तो तेरे एक दिन का खर्चा भी ना बर्दाश्त कर सकूं। ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है बालम। क्यों ना सोचूं? ये जो उठाई गिरे तेरे पीछे पड़े हैं, ये बात क्या उन्हें भाएगी? वो तेरी जान के दुश्मन बन जाएंगे। उनकी फिक्र तुम ना करो बालम, जो दूसरों के लिए घड़ा खोदता है एक दिन खुद उसमें गिर कर खत्म हो जाता है। ये तो ठीक है, लेकिन तू और मैं। मुझे समझने की कोशिश करो बालम, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मान अगर मैं इस बात की हामी भर भी लूं, तो क्या तेरा बाप इस बात को मान जाएगा? क्यों नहीं मानेंगे, डैडी ने शादी के मामले में मुझे पूरी आजादी दे रखी है। वो मुझे बेहद प्यार करते हैं, वो मेरी पसंद कभी नहीं ठुकराएंगे बालम। मुझे पूरा यकीन है डैडी तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। बालम बेटा, ये मेम साहब शहर से आई है। ये ले गिफ्ट विफ्ट, यहाँ भी पहुँच गई। सलाम मैडम। क्या बात है रोजी? मैडम आपके डैडी यूरोप से आ गए। जैजी आ गए? यस मैडम, और आपको फौरन बुलाया। चलो बालम, इससे पहले कि कोई और डैडी से जाकर मिले हमें उनसे फौरन मिलना चाहिए। मैं? हाँ हाँ चलो ना प्लीज। हेलो डैडी। ओह माय बेबी, हाउ आर यू? फाइन डैड, हाउ आर यू? फाइन। आपने इतने दिन लगा दिए डैडी। क्या करूं बेटी, कारोबार जो हुआ। और फिर और तुम कौन? मैं डैडी, ये बालम है डैडी। बालम? हाँ डैडी, आप इसकी जाहिरी हालत पर ना जाइए डैडी, इसके अंदर छुपे हुए इंसान को देखिए डैडी। ये इत्तेफाक से मेरी जिंदगी में दाखिल हुआ और रफ्ता 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 क्या मेरी जिंदगी का मालिक बन गया। सायरा, ये तुम क्या कह रही हो बेटी? डैडी, इंसान अपने हुलिया और लिबास से नहीं, अमल और किरदार से पहचाना जाता है। बालम को मैंने एक मामूली आदमी समझकर मुलाजिम रखा था, लेकिन इसने मुझे तबाही के अंधेरों में डूबने से बचा लिया है। डैडी डैडी, मुझे पहली बार जिंदगी में सुकून और खुशी मिली है। ये एक सीधा सच्चा और हमदर्द इंसान है। हो सकता है तुम्हारा ख्याल ठीक। सोच समझ कर फैसला किया है डैडी, बालम मेरा आइडियल है, मेरी पसंद है डैडी। और फिर आप ही ने तो मुझे मेरी पसंद चुनने का इख्तियार भी दिया था। क्या आप मुझे मायूस कर देंगे डैडी? नहीं बेटी, मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए। अगर तुमने इसे पसंद कर लिया है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं डैडी।